हेलो साथियों, कैसे हैं। सुरान अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर वाले जो पोर्शन है उसमें चल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। और सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के अंदर जो है डिफ्यूजन तक पढ़ लिया था, सॉरी ड्रिप तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफ्यूजन करंट पे, ठीक है। ड्रिप करंट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन करंट पे अभी तक मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि जब हम डायोड की बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होंगे, तो ट्रांजिस्टर और डायोड के अंदर जो है, जब हम उसमें एन और पी टाइप जो है उसकी डोपिंग करके और उसका जब डायोड बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है वो डिफ्यूजन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब हम बना रहे होते हैं उसको, तब वहाँ पे ड्रिफ्ट वाला यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगा रहे वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें चार्ज जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमने एटम जो है उनकी डोपिंग करेंगे, तो नॉर्मली मैं उसको डायरेक्टली कहूँ तो एटम की बजाय मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन और होल की अगर हम डोपिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। किस तरह मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, वो गमन करते हैं, गति करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, तो डिफ्यूजन करंट, तो डिफ्यूजन करंट का जो है वो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास, मैं होल को लेकर चल रहा हूँ, ये होल है बहुत सारे, इस तरह से इधर कंसंट्रेशन क्या है उसकी, हाई कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन क्या होती है उसकी, कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए थोड़े ये दूर 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 ऐसे हैं, तो क्या होगा, यहाँ जो है ये पूरा का पूरा एक क्या है, सिलिकॉन की सब्सट्रेट है, मान लीजिए, है ना, सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन के अंदर मैंने क्या किया, होल है ये, मान लीजिए, तो ये डॉट 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 करके मैंने क्या किया, होल, यहाँ होल की संख्या क्या है ज्यादा, यहाँ होल की संख्या क्या है कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन यहाँ हाई है या कंसंट्रेशन क्या लो कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो है ये, तो यहाँ से क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेंगे, एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, कौन मूव करेंगे, होल, ठीक है। तो होल मूव करेंगे, तो एक सर्टेन डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से इस वाले को ले लेता हूँ, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, पी एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर कितनी है, पी जीरो, और यहाँ क्या कितनी होगी, पी एक्स हो जाएगी। तो इस पी एक्स में इसमें जो रिलेशन होगा वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो अब क्या होगा, क्योंकि देखो होल जब इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, होल क्या करेंगे, होल मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ कंसंट्रेशन क्या लो है, तो उस तरफ क्या करते हैं, मूव करेंगे। तब मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, ये जो करंट फ्लो करेगी इसे हम कौन से करंट बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। एक पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में क्या था कि होल और इलेक्ट्रॉन मूव किसकी वजह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, ठीक है। तो कौन सी हुई, डिफ्यूजन, तब हमने वहाँ पर करंट का कंसेप्ट लेकर सोल्व कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, अलग अलग है, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो हम करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे जे, ठीक है, वो होगी जे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी एक्स। डी पी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो एक्स के साथ किस तरह से चेंजेस हो रही है। अगर हाई कंसंट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत ज़्यादा लो है, तो क्या होगा, डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, जे पी पी ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होंगे, ज़्यादा होल उस तरफ जाएंगे, कम होगी तो कम होल उस तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है, अब यहाँ से क्या है, क्योंकि ये तो इसके इसमें, अब जब इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आता है माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू, और ये हो जाता है एक इसके साथ डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट, ठीक है, डी पी और डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या बनती है हमारे पास, ये बनती है डिफ्यूजन करंट, किसकी वजह से, होल की वजह से। इसी तरह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की हम बताते हैं तो वो होती है क्यू डी ई डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स, ये जो है ये किसकी वजह से होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं यहाँ एन लिख दी, क्योंकि वो एन टाइप है ना हमारा, पी टाइप और एन टाइप, यानी कि होल के लिए पी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अपन एन यूज करते हैं उस हिसाब से। और ये क्या है, एक्स है ना, इसको एन मान लेना, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, इसमें माइनस साइन आ रहा है और इसमें माइनस साइन नहीं आ रहा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो लोअर की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्योंकि आवेश जो है चार्ज जो क्या होता है अपोजिट होता है, इसलिए उसमें क्या जाता है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं टोटल करंट लिखूंगा, ठीक है, टोटल करंट जो होगी किसकी वजह से होगी, वो डिफ्यूजन प्लस ड्रिप दोनों की वजह से, है ना। तो क्या होगा, वो होगा ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, दोनों की वजह से करंट वो मिलेगी, ठीक है। तो पहली करंट क्या मिलेगी, जे टोटल पी इज इक्वल टू पी फॉर होल के लिए। तो होल के लिए हमारे पास क्या है, जे क्या आता है होल के लिए, अभी हमने देखा था वो आता है क्यू, यानी कि क्यू को हम किससे, ए से डिनोट करते हैं, वहां जब हमने केस किससे किया था, ए से किया, लेकिन मैं यहाँ पे चार्ज को किससे ले रहा हूँ, क्यू से ले रहा हूँ, ठीक है, क्यू। फिर उसके बाद में पी म्यू पी ई, ठीक है, निकाला था वहां पे ड्रिफ्ट के लिए, माइनस या क्या आ जाएगा, क्यू डी पी और डी पी ओवर एक्स डी पी ओवर डी एक्स। सिमिलरली जे टी एन, एन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, पी और सॉरी एन म्यू एन ई प्लस क्यू डी एन डी पी ओवर सॉरी ये ना एक चीज देखिए, ये जो है ये मैंने गलत लिख दिया था, ये क्या आएगा एन, क्यों, क्योंकि देखो ये है होल कंसेंट्रेशन, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन है ना, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन जो एन से लिखेंगे इसको, है ना, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखें, डी एन ओवर डी एक्स, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप, ना ये क्या होगा मेरे पास डी एक्स की जगह डी पी की जगह क्या होगा डी एन होगा, ठीक है, इसको डी एन ओवर डी एक्स कर लेगा, ठीक, एक से हाँ सर बताइए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आपने देख लिया दोनों इक्वेशन, दोनों को मिला के तो टोटल करंट फ्लो करती है जब हम डायोड को किसी उसमें जोड़ते हैं सर्किट में, तो क्या होता है, क्योंकि देखो एक तरफ क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरफ होल्स हैं, वो दोनों मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन की वजह से भी मूव करते हैं, दूसरा ड्रिफ्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसकी वजह से भी मूवमेंट उनका होता है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे जो जो डायोड कई बार पूछ देते हैं उसे बोलते हैं आइंस्टीन रिलेशन, ठीक है, जो आइंस्टीन रिलेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये लिख लिया ना आइंस्टाइन रिलेशन, ठीक है, वो किस में है, म्यू और डी में, है ना। ये क्या है, डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट, और ये क्या है अपने पास ड्रिप कॉन्स्टेंट, एक तरह से मोबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, ड्रिप कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों में जो रिलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तब इन दोनों में जो रिलेशन है तो वो ये है कि डी पी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू के टी अपॉन ई, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है के टी अपॉन ई के बराबर होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिलेशन। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डीपी अपॉन यानी कि डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं के टी अपॉन ई, उसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन के अंदर जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए के टी अपॉन ई के अपॉन ई टी ई अपॉन के टी ऐसे करके तीन चार ऑप्शन देंगे और वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सिमिलरली क्या निकालना है, ये किसी दिमाग में क्या रखना है, ये जो है ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, ये वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो आप वहां से क्या करें, डायमेंशन से सोल्व कर लें, ठीक है, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, दूसरा VT, है ना, क्या है, T टेम्परेचर पे जो इनका वोल्ट होगा उसका, उसके इक्विवेलेंट मैं कह सकता हूँ, ठीक है, वोल्टेज इक्विवेलेंट है, ये क्या है, वोल्टेज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप देख लें इसकी की कौन सा होना चाहिए, तो आप यहां से देखें KT क्या होता है, एनर्जी, ये क्या है, ई, तो क्या मिलेगा, एनर्जी को किस में लिखते हो, क्यू इंटू वी, है ना, क्यू इंटू वी क्या होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल से क्या बना, वी, ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी सब में क्या होगा, उलट पुलट करेंगे तो आप उसमें डायमेंशन आपकी सेम नहीं आएगी, तो ये क्या है, वोल्ट इक्विवेलेंट होता है, बस ये आप दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक जो है सारी सारी चीज़ें हमारी हो गई है, इसके आगे जो है क्योंकि दोनों चीज़ें हो गई ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, ठीक है, तो उसके बाद में हम चलेंगे अब डायोड के ऊपर, ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन एक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए यूजी वाले पोर्शन में मैंने आपको पहले ही कहा था मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपको याद करने का रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो और कम है, जैसे जैसे हम
क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे, और भी जो चीज़ें हैं हमारी जो बाकी है उसके अंदर जो है आपको याद करने का पोर्शन ज़्यादा रहेगा बजाय कि सॉल्यूशन के, ठीक है। और वहाँ से नंबर लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा पीएन जंक्शन पे। पीएन जंक्शन, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड बहुत सिंपल था कि अगर आपके पास एक तरफ पी पार्ट है एक तरफ एन पार्ट है, इन दोनों को आप क्या करते हैं एटॉमिक लेवल पे जाके जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा पीएन जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब एटॉमिक लेवल पे जोड़ने का मतलब क्या, ये क्या है हमारे पास सिलिकॉन की सब्सट्रेट, इधर से आप क्या करते हैं डोपिंग करते हैं किसकी पी की, और इधर से डोपिंग किसकी करते हैं एन की। और पी और एन कहने का मतलब क्या है, पी का मतलब है कि मैं थर्ड ग्रुप ले रहा हूँ, एन का मतलब क्या ले रहा हूँ है ना फिफ्थ ग्रुप ले रहा हूँ। उन दोनों के क्या करते हैं एटम्स की डोपिंग करते हैं तो वो सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करते हैं। इधर क्या होगा चार इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक फ्री रह जाएगा, इधर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिमिलरली ये हुआ कि मैं इधर देखूँ तो जो होल है वो इधर ऐसे आगे बढ़ेंगे, इधर से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो ये क्या करेंगे आपस में जब बढ़ेंगे तो भाई दोनों तरफ से होल और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे, क्यों, डिफ्यूजन की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से ना, कंसंट्रेशन क्या है ग्रेडियंट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो क्या होगा दोनों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे यहाँ बीच में पहुंचेंगे, बीच के लेवल में जब आएंगे तो इनमें क्या होगा रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा, एक होल प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो क्या बनेगा कि जो इलेक्ट्रॉन किसका है फिफ्थ ग्रुप वाला, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में कौन सा होता है फॉस्फोरस, और इधर कौन सा होता है गैलियम, ठीक है, यही होता है ना फॉस्फोरस और गैलियम जो है। तो फॉस्फोरस और गैलियम क्या करेंगे आपस में, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, ठीक है। ठीक है, फॉस्फोरस और गैलियम है मान लीजिए, तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मैक्सिमम ज़्यादा है जिसके पास क्या है कम है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस पर होल पे चला जाएगा, क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब गैलियम पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ क्या होगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन होंगे तो बीच में क्या होगा रिकॉम्बाइन होंगे तो बीच के अंदर ये इधर क्या है क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या है फॉस्फोरस क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बनने से क्या होगा ये इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। किस तरफ होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को किस तरफ फोर्स लगवाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, होल किस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन होल को दूर दूर रखेंगे, ठीक है। जब तक कि इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन की वजह से जो उन पे जो आगे बढ़ रहे हैं उन पर ये क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स जब सफिशिएंट हो जाएगा इनके इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रोक देगा, तो जैसे ही रोक देगा तो क्या होगा ये जो डिप्लेशन लेयर बन रही है बीच में इसे हम क्या बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ये जो डिप्लेशन लेयर बन रही है ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी बनके फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम क्या कर देंगे डायोड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा डायोड बनेगा, आगे समझ में। इनिशियली क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है इनका जो है वो मूवमेंट यानी कि ये जंक्शन को क्रॉस करना, ये क्या है जंक्शन है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर जंक्शन जो भी है दोनों बोल सकते हैं इसको, जंक्शन का मतलब पी और एन के जंक्शन दोनों मिल रहे हैं, और डिप्लेशन लेयर जो बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसको रोक रही है किसको होल और इलेक्ट्रॉन को जंक्शन को पार करने से जो रोक रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी एक डिप्लेशन लेयर यहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ से देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिप्लेशन लेयर बनी, अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो क्या आता है देखिए कि अगर जो डायोड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, डायोड की क्या करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज की, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा पी और एन इंक्रीज पे, इसका मतलब क्या है ये देखो इस तरह से एरो बना के लिखो, इसका मतलब पी इंक्रीज और एन इंक्रीज, ऊपर एरो करने का मतलब दोनों इंक्रीज है ना, ऊपर एरो का मतलब क्या है इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ पास पास आ रहे हैं, ठीक है भाई, ज्यादा होंगे कंसेंट्रेशन तभी क्या होंगे, बहुत सारे पास आएंगे, कम होंगे तो वो कम पास आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एक साथ पास है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनको रोकने के लिए जनरेट करना है उसके लिए आपको क्या होगा, ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये जो चीजें हैं ये क्या मिलेगी, एक साथ मिल जाएगी आपको बहुत पास पास में। तो पास पास में मिलकर इसका मतलब नंबर ऑफ जब आपके पास जो आइंस है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस वो ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव आइंस चाहिए, है ना, अभी चार बनाए मैंने, चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव चाहिए। कंसेंट्रेशन अगर हाई होगी, ठीक है, तो ये यहीं पर हो गया और ये सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए कंसेंट्रेशन लो हुई, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ये जो नेगेटिव आइंस है चार वो कहाँ मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे भाई, लो हो गए तो क्या होगा, दूर दूर मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे, डिप्रेशन लेयर क्या हो गई, चोरी हो गई, है ना, इसी विड्थ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और अगर पास पास रहेंगे तो क्या होगा, विड्थ कम होगी। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए बढ़ती है, ठीक है, कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज, सॉरी, ठीक है, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिफ्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं विड्थ ऑफ जंक्शन क्या हो जाएगी, जो विड्थ ऑफ जंक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बस ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सॉरी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है, ठीक है, कि कंसेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा, किस पे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये ऐसे फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइन को क्या मिलेंगे, पास पास मिल जाएंगे, कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो। उल्टा पूछ सकते हैं, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने पर क्या होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा आपके सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से जो है, अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर यहाँ क्या होगा, वोल्टेज भी होगा, ठीक है, इंटरनल जो इसका वोल्टेज होगा, जंक्शन का वोल्टेज, है ना। तो डिप्लेशन लेयर या जंक्शन का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ वी नोट से, या डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, ये है वी टी, वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। ये वी टी क्या है, थोड़ी देर पहले अभी लिखा था मैंने, के टी अपॉन ई, ये वी टी क्या है, के टी अपॉन ई। तो ये हमारा पास क्या रहेगा, इसकी इक्वेशन रहेगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली देखे, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एन ए और एन डी आपको पता है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर और नंबर ऑफ डोनर, यानी कि एन और पी जो है वो हो गया हमारे पास कंसेंट्रेशन। देन उसके बाद में वी टी के टी अपॉन ई, जो भी आपको देंगे नॉर्मली, टी का टी जो है नॉर्मली आपको 300 केल्विन देते हैं, तो 300 केल्विन के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, 300 केल्विन के लिए आपको याद रखना ये चीज़ कि अगर मान लीजिए टी कितना है, टी 300 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है उस, वो अगर है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस वी टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये वी टी की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 11,600, इसकी वैल्यू आएगी, नहीं एक बार इसको ऐसा लिख देते हैं कि टी मान लो आपको गिविन नहीं है, उसके टी की वैल्यू से चेंज कर सकते हैं, के और ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो ये जो होती है ये होती है टी अपॉन 11,600 वोल्ट, टी अपॉन 11,600 वोल्ट जो है ये इसकी वैल्यू होती है, है ना। तो टी जो भी आपको दे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लें, क्योंकि देखिए के अपॉन ई जो है इसको आप न्यूमेरिकली अगर आप वैल्यू रखें 1.28 × 10⁻²⁰, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की ये रखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, फिर टी रखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 11,600 याद रखें आप लोग, ना 11,600 टी अपॉन 11,600 वोल्ट, ये इससे फाइंड आउट कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और 300 केल्विन के लिए जो है ये आता है, अच्छा मान लीजिए 300 केल्विन के लिए पूछा है तो कि ये है मान लीजिए 300 डिग्री केल्विन, तो जो वीटी आता है, ये वीटी आता है करीब करीब 26 मिली वोल्ट, ठीक है, कितना आता है 26 मिली वोल्ट, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है एग्जाम के अंदर जो है आपको 300 केल्विन के लिए ये कोई भी क्वेश्चन है वो दिया जाता है ना। चलिए, तो ये डिफ्यूजन वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, ये सारी चीज़ें हो गई है, डायोड के बारे में देख ली, अब हम चलते हैं सीधा डायोड की
इक्वेशन पे, ठीक है। डायोड की इक्वेशन पे चलते हैं। तो डायोड में जब मान लीजिए दो तरह से इसका कनेक्शन करते हैं, ये तो इसका बेसिक था कि डायोड कैसे क्या है। अब डायोड का जो कनेक्शन हम सर्किट में करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, ठीक है। अब जो डायोड का सिंबल है वो भी आप जानते हैं, डायोड का सिंबल जो हम लेते हैं वो किस तरह का लेते हैं, ये जो है हमारा डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। ये पी टाइप है और ये क्या है इसका एन पार्ट है, पी और एन पार्ट जो है वो ये इसका इस तरह से है। तो आप ये समझ जाना और आप जानते भी हैं इससे, ठीक है। तो इसके दो बायस हैं, फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो पहला है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में पी को पॉजिटिव से एन को, यानी कि पी पार्ट है उसको बैटरी के पॉजिटिव से और एन पार्ट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या फॉरवर्ड बायस में, तो मान लीजिए ये हमारी जंक्शन थी, ठीक है, जिस तरह से ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इधर क्या है एन पार्ट में इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है हो, ठीक है। इसको बैटरी के पॉजिटिव से, इसको बैटरी के नेगेटिव से, यानी कि हमने इस तरह से इसको कनेक्शन कर दिया। तो क्या होगा, अब एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, इस तरफ है, बाहर से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस तरफ है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं बैटरी को, चलिए वेरी करते हैं, ठीक है, जीरो से क्या करते हैं वी तक वेरी करते हैं। वेरी करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मान लीजिए ये करंट है और ये मेरी वोल्टेज है। तो इनिशियली जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन के नहीं हो जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए मैं इसका रिजल्टेंट देखता हूँ, रिजल्टेंट क्या होगा ई आउट माइनस ई इन, ठीक है। तो जब तक कि ई आउट ई इन से छोटा होगा तब तक क्या होंगे, होल इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है। होल इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, होल इधर रहेंगे, तो इसका मतलब कोई जंक्शन को इलेक्ट्रॉन पार नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो कौन सा, ये वाला, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो ई इन है मेरा वो किसके बराबर है, ई आउट के बराबर है, ठीक है। जैसे ई इन ई आउट के बराबर है उसके बाद जैसे आप करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, मूव करते आपको क्या मिलेंगे, इस तरह के करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है। इस पोटेंशियल को जिस पे ये मूव होता है उसे क्या बोलते हैं, नी पोटेंशियल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नी पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, निरोधी विभव जिसे कहते हैं ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो इस वाले केस के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इक्वेशन जो होगी, मान लीजिए ये हमारा केस है, ठीक है, ये एन पार्ट और पी पार्ट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, पी पार्ट और एन पार्ट वाला केस है। तो इस वाले केस के अंदर इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और इसका अगर अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होगा कि अगर आप इसको पी को, पी जो इसका एंड है उसको नेगेटिव से और एन एंड को किससे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो क्या होगा यहाँ से कि ये जो है डायोड अगर आपका इस तरह से है तो आपने इसको पॉजिटिव से, इसको किससे जोड़ा है, नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। इस केस में क्या होगा अब आप देखिए, तो इस केस के अंदर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आउट और इन दोनों इस तरफ है, तो उसका मतलब कोई भी होल इस तरफ नहीं जा सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस जंक्शन को पार नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा, इन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होगी, बड़ी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हो तो इसकी वजह से क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन लेयर या जंक्शन है, जंक्शन ऑफ, सॉरी विड्थ ऑफ जंक्शन, सॉरी डिप्लेशन लेयर या विड्थ ऑफ जंक्शन क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आउट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो रो क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा, जंक्शन भी जो है वो डिक्रीज। जंक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे कोई भी आपके पास क्या होगा, फ्री चार्ज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई फ्री, लेकिन अब क्या हो रहा है, फ्री चार्ज उसके अंदर जा रहा है, तो जंक्शन की क्या होगी, विड्थ इसमें कम होती है। इसमें क्या होती है, तो जंक्शन की विड्थ है वी, जब आप इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायस में तो क्या होगा, इसके साथ साथ विड्थ ऑफ जंक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है।
आ गया दोनों के समझ में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया, एक ये बन गया। बाकी समझने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इस तरह से इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप इसका ग्राफ देखिए, तो इसका ग्राफ अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये वी है और ये आई है, ठीक है। ये क्या है, वी और आई में अगर ग्राफ थोड़ा सा इसको नीचे करके बना देते हैं, वी और आई में हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने P और N टाइप की बात करता हूँ तो P टाइप में क्या होंगे, P टाइप में मैक्सिमम जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैक्सिमम क्या होंगे, P टाइप में क्या होंगे, होल। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं एक दो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो बहुसंख्यक आवेश भाग और दूसरा अल्पसंख्यक आवेश भाग, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और जो मेजोरिटी चार्ज है। तो मेजोरिटी तो कौन है इसमें, होल, लेकिन माइनॉरिटी कुछ तो होंगे, ठीक है। फिर उधर इधर जाएंगे तो क्या होंगे, इसमें हो सकता है कि एक दो क्या हो, होल हो, ठीक है। अब होल हो तो होल क्या होंगे, उधर माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी पे किस तरफ फोर्स लगेगा, तो माइनॉरिटी पे किस तरफ लगेगा, इसमें इसमें। किसकी बात कर रहे हैं, किस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं हम लोग रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, करंट हमें मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। ये करंट जो होगी वो किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर में, ये किसमें होगी, मिली एम्पियर में होगी, ठीक है। इससे करीब करीब क्या होगा, 1000 गुना कम होगी ये करंट, ठीक है। करीब करीब इतना होगा, 1000 गुना कम जो है ये करंट हमारी होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ टाइम तक तो करंट जो है वोल्टेज के साथ फ्लो करेगी, देन उसके बाद में, क्योंकि जब सारे इस पे क्या होगा, आप चाहे कितना ही वोल्टेज बढ़ा दें, नंबर ऑफ चार्ज वो क्या है, फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो वो जब एक साथ मूव करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। ये क्या है, रिवर्स बायस। चलिए, तो कुल मिला के और करीब करीब जो ये है ना हमारे पास, नॉर्मली हम ये देखते हैं वोल्टेज, जो नी वोल्टेज जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो नी वोल्टेज है वो 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए और ये 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 और ये जो इसके लिए होता है कितना होता है, 0.3 जो है वो जर्मेनियम के लिए होता है। हम नॉर्मली अगर क्वेश्चन में सिलिकॉन और जर्मेनियम गिवन नहीं है तो हम किसको मान के चलेंगे, सिलिकॉन को ही मान के चलेंगे 0.7 के लिए, ठीक है। कौन सा वोल्टेज है कि 0.7 वोल्टेज के बाद अगर फॉरवर्ड बायस है आपके पास, फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्टेज के बाद क्या होगा, उसमें कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, यानी कि चार्ज कैरियर जो चार्ज है होल और इलेक्ट्रॉन उस जंक्शन को पार करेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ये अभी सारा थ्योरेटिकल चल रहा है। अब जो है इसका आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, इसी क्या हो गया, इक्वेशन बनेगी। अब आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ कैसा बन रहा है, करीब करीब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब इक्वेशन भी कैसी होगी इसके करंट की, वो होगी वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियल जो उसके साथ में क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो डायोड की जो इक्वेशन है वो क्या होगी यहाँ पे ना, तो अगला है हमारे पास डायोड इक्वेशन, ठीक है। तो डायोड की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी, तो सिमिलर सिंपल सी इक्वेशन है, वो है कि आई डी यानी कि फॉर डायोड आई जीरो, ठीक है, आई जीरो एक्सपोनेंशियली वी अपॉन वी टी माइनस वन। एक यहाँ पे नीटा भी आता है ना, कई बार ये जो है यहाँ पे नीटा लिखते हैं, और नीटा जो है वो वन और टू होता है, यानी कि सिलिकॉन के लिए वन और जर्मेनियम के लिए क्या होता है ये, नहीं सॉरी, जर्मेनियम के लिए तो होता है वन और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, टू होता है। लेकिन नॉर्मल केस में जब आप बुक देखेंगे, नीटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या है, नीटा को इंट्रोड्यूस नहीं करते हम लोग, सीधा सीधा इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, या फिर मैं इसको आगे और सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर वो उसकी फॉर्म में लिखें तो एक्सपोनेंशियली ई वी अपॉन के टी माइनस वन, ये हमारी क्या होगी, डायोड की इक्वेशन। यहाँ पे जो आई जीरो है उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट या रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको क्या बोलते हैं, आई जीरो जो होती है वो क्या है, रिवर्स सेचुरेशन सेचुरेशन करंट, ठीक है। क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, यानी कि उत्क्रम संतृप्त धारा, हिंदी में कहेंगे तो उत्क्रम संतृप्त धारा, यानी कि रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है, ठीक है। नॉर्मली ये किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स बायस वाली लिखा ना, रिवर्स, तो रिवर्स में किसमें होती है, माइक्रो में, तो किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो फॉरवर्ड बायस में देखें तो फॉरवर्ड बायस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा आएगी करंट की, ठीक है। तो ज़्यादा आएगी इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, किसको, कि ई अपॉन VT जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होगा, वन होगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है।
तो जब फॉरवर्ड बायस में ये वन जो है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ई की जगह की फॉरवर्ड बायस में आई नॉट ई वी अपॉन के टी, ठीक है इसको लिख देते हैं। ये क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन होगा आई नॉट, इसको मान लो आप इस तरफ करेंगे ठीक है, क्योंकि ये करंट किसमें मिलेगी आपको, जो करंट मिलेगी ये किसमें मिलेगी, ये मिलेगी आपको, क्योंकि V क्या होता है, V जो होता है वो V होता है पॉजिटिव, ठीक है क्यों मिलेगा आपको, क्योंकि V क्या होगा पॉजिटिव, जब V पॉजिटिव होगा, या फिर इसको दूसरे केस में लिखते हैं अगर I भी नहीं लिखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो ठीक है। तो ये V क्या होगा पॉजिटिव, जब V पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इससे ग्रेटर ग्रेटर देन वन होगा, तो ग्रेटर ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कितनी आती है मिली एम्पियर में, ठीक है मिली सॉरी मिली वोल्ट में ना, के अपॉन ई की वैल्यू निकाल दिया तो कितना आया था 11600 है ना, तो 11600 से डिवाइड हो रहा है ये सब चीज़ें है ना, तो इस हिसाब से क्या होगा, क्या होगा बहुत ज़्यादा इस वन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी इसका मतलब क्या होगा, इस वन को आप नेग्लिजेबल कर सकते हैं, तो जो आई डी आपको मिलेगा फॉर फॉरवर्ड बायस, ठीक है तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या मिल जाएगा सीधा सीधा आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी, ठीक है ये आपको वैल्यू मिल जाएगी ठीक है। दूसरा अगर रिवर्स बायस है तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जो आपका वोल्टेज है V वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव आने की वजह से आप इसको क्या कर सकते हो नेग्लिजेबल नहीं करोगे ठीक है। अब क्या होगा नेगेटिव आने की वजह से ये जाएगा वन अपॉन में ठीक है, जैसे ही आपके वैल्यू नेगेटिव आएगी कितना आएगा वन अपॉन एक्सपोनेंशियल ए वी अपॉन के टी। अब इसकी वैल्यू तो क्या है हाई है, इसकी वैल्यू हाई है इसका मतलब क्या होगा ये वन अपॉन में, तो इसका मतलब कितना देगा करीब करीब जीरो के आसपास टेंडिंग टेंड करेगा, जीरो तो नहीं लेकिन जीरो को टेंड करेगा, यानी कि वन से बहुत कम होगा, तो वन से बहुत कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि ई एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी जो है वो लेस देन क्या होगा वन होगा इस नेगेटिव होने पे। जब ये लेस देन वन होगा तो इसका मतलब करंट जो होगी आपके पास आई डी फॉर रिवर्स बायस वो क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर होगी ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको दिमाग में आप रखेंगे ठीक है। ये किसकी है डायोड की इक्वेशन है ठीक है, इसी से हम आगे इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे ठीक है ठीक है। और एक आइडियल डायोड के लिए ठीक है, आइडियल डायोड के लिए क्या होता है रिवर्स फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो और रिवर्स बायस में कितना इनफाइनाइट, यानी कि रिवर्स बायस के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए और फॉरवर्ड बायस में इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, करंट जैसे ही थोड़ी सी वोल्टेज दोगे वैसे ही क्या होगा इसमें करंट फ्लो कर जानी चाहिए। सेकेंड ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये सारी चीज़ें हो ही गई है, और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, हाँ एक इसका रेजिस्टेंस जरूर आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने एग्जाम में देखा है कि इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कई बार आपको पूछा जा सकता है ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए आप लिखिए इसके अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस ठीक है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का हुआ कि R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू dV अपॉन dI ठीक है। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, देखो ओम्स लॉ में क्या होता है फिक्स रेजिस्टेंस है, V और I क्या है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है ग्राफ अगर देखते तो इस तरह का, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ ज़्यादा था यहाँ क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा dV अपॉन, क्योंकि dV जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे करंट क्या हो रही है चेंज होती जा रही है ठीक है। तो dV तो हमारे पास करंट क्या थी, अभी हमने देखा करंट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियली वी अपॉन वी टी लिख देता हूँ, इसको वी अपॉन वी टी माइनस वन ये हमारे पास इक्वेशन ठीक है। तो V अपॉन वी टी माइनस वन इक्वेशन थी, यहाँ से अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा इसको डिफरेंशिएशन करते हैं ठीक है। dI अपॉन dV, V के रेस्पॉन्स क्या क्या डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जो आपके ये जो इसके मल्टीप्लाई में जो भी है वो बाहर आ जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसी रह जाएगी, तो क्या आएगा वी टी और एक्सपोनेंशियल V अपॉन वी टी ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद में फिर से आगे सोल्व करते हैं तो V अपॉन वी टी किसके बराबर लिख सकते हो बताओ, नॉर्मली V अपॉन वी टी अगर मैं यहाँ से लिखूँ है ना, तो इसको क्या लिखेंगे I प्लस आई नॉट ठीक है इक्वल टू
वी अपॉन वी टी आई। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ गया, तो अब आप देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग v अपॉन जो vt है वो किसके बराबर हो गया, i प्लस i नॉट अपॉन i नॉट, ठीक है, i प्लस i नॉट अपॉन i नॉट के इक्वल हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए कि अब यहाँ से इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, i नॉट किस में है, i नॉट किस में है, रिवर्स है ना, तो इसका मतलब ये माइक्रो एम्पियर में, और ये किसमें है, मिली में, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि I प्लस I नोट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि I प्लस जो I नोट है वो लगभग इक्वल किसके होगा, I नोट के, क्योंकि अगर आप मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर जोड़ेंगे तो क्या होगा, सपोज करिए, क्योंकि आप मान लीजिए मिली एम्पियर में कितना होता है 10^-3 और माइक्रो में कितना होता है 10^-6, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1.00 जो भी वैल्यू होगी 1 आ गया प्लस या मल्टीप्लाई में ये, तो इसका कोई लॉजिक रह जाता है क्या, अगर 1 में 0.001 जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए क्या कर रहे हैं इसको हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, है ना, तो इसको इसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जैसे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डी आई अपॉन डी वी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन वी टी, तो ऑलरेडी था उसको यहाँ रखिए, ठीक है, तो किसके बराबर होगा आई अपॉन आई नॉट के, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो डी आई ओवर डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया, आई अपॉन वी टी, कितना आ गया I अपॉन वी टी आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास कि R इक्वल टू डी वी अपॉन डी आई, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे उल्टा कर दीजिए, तो कितना आ गया वी टी अपॉन आई आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, कुछ जगह क्या होगा ये जो है, क्योंकि अगर नीटा इंट्रोड्यूस करते हैं तो R इक्वल टू क्या लिखा होगा, नीटा वी टी अपॉन आई लिखा होगा। ये नीटा कब लिखेंगे, ये नीटा तब लिखेंगे जब आपको गिविन हो, ठीक है, अगर ये गिविन नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ भी नोट नहीं करेंगे और आप सिंपली क्या लिख देंगे, वो जो वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट जो है करीब करीब मैं टाइमिंग का देख लेता हूँ, आप एक बार इसको डिवाइस कर लीजिए। तो अभी तक हमने जो है रेजिस्टेंस के बारे में भी देख लिया कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए स्टैटिक रेजिस्टेंस पूछे तो सिंपली क्या करेंगे आप, उसमें रेजिस्टेंस जो स्टैटिक्स वाला होगा वो हमारा वी अपॉन आई जो ओम्स लॉ से हम देखते हैं वही हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ग्राफ है, इस पर अगर आपने यहाँ पे करंट आई है, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज वी है ना, ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करते हैं कि V अपॉन I कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा स्टैटिक। ठीक है, और ये क्या होगा टाइम के साथ, या फिर कह सकते हैं कि इस ग्राफ के साथ क्या हर एक पॉइंट पे चेंज रहेगा। ठीक है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाता है हमारा आर डी, जिसके मैंने कहा था, और वो क्या था डी वी अपॉन डी आई, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है दो तरह के रेजिस्टेंस है वो हमने देख लिया, इसके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि इस पे आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, नेट के लेवल पे जरूर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम रहेंगे, फिर भी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, ये वी टी अपॉन आई नॉट। ठीक है, अच्छा, कई जगह ये जो आई नॉट है ना, इसको आपको आई एस भी लिखा है, सेचुरेशन के लिए क्या लिखा है, इसको आई एस से भी नोट किया गया है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है बस, और कोई मतलब नहीं है अपने को इससे, है ना, नोटेशन चाहिए कुछ भी हो, आई नॉट को आई एस भी कई जगह कह रखा है। तो यहाँ तक जो है हमने ये कवर कर लिया रेजिस्टेंस वाला पोर्शन। अब एक चीज़ और है कि जब हम डायोड के बारे में पढ़ते हैं तो डायोड में जब हम इसको एटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये पी पार्ट है, ये एन पार्ट है, तो ठीक है, ये इस तरह से, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है हमारी, जो जंक्शन है, या इसको डिप्लेशन लेयर जिसको कहते हैं, जंक्शन या डिप्लेशन लेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डी डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास पड़े हुए हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, यहाँ पे श्योर एक कैपेसिटेंस होना होगा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के जो कैपेसिटेंस आप पढ़ेंगे, एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है और एक होता है जो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये क्या, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस दो तरह के होंगे। ठीक है, तो जो पहला कैपेसिटेंस है जिसे मैं कहूँगा स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, ठीक है,
सी टी से इसको डिनोट करते हैं, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। तो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस मतलब ये जो चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, ये जो एटम्स है क्या स्टैटिक्स है, इनकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा उसे हम स्टैटिक चार्ज कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है सी टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्यू और वी दोनों चेंजेस हैं टाइम के साथ, अगर मान लीजिए इसको अपन यूज कर रहे हैं कैपेसिटर को डायोड को, तो डायोड को जब आप इसको यूज कर रहे हैं सर्किट में तो क्या हो रहा है चार्ज भी जो है वो टाइम के साथ या फिर वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कैपेसिटेंस भी क्या होगा वेरी कैपेसिटेंस होगा। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू दी जाती है वो सिंपली ये दी जाती है जो हमने, क्योंकि ये क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है ना, दो चार्ज है पैरेलल प्लेट दोनों एक दूसरे के पास पास पड़ी, एरिया इसका ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, तो उसका क्या हो जाता है एप्सिलॉन डी अपॉन ए, ठीक है सॉरी उल्टा लिख देगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एरिया ऊपर आएगा ना एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ठीक है क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये क्या होता है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सिंपली आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए लिखते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी वही वाला याद चलेगा। अब एप्सिलॉन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्सटेंस क्या है हम एयर या वैक्यूम में नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई ना कोई मीडियम है, ठीक है, जिससे भी बना होगा सिलिकॉन से है नॉर्मली, तो वो क्या उस मीडियम की वजह से जो है हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो कैपेसिटेंस है ये तो आपको सीधा याद रहेगा, दूसरा जो कैपेसिटेंस है जिसे हम क्या बोल रहे हैं डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दूसरा क्या है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मतलब है कि जब चार्ज डिफ्यूज करेगा इसमें से, ठीक है, चार्ज जब एक दूसरे जैसे मान ली जंक्शन आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़ा तो क्या होगा चार्ज उसके अंदर घुसेगा, ठीक है, इधर से होल इधर से इलेक्ट्रॉन वो अंदर से जाएंगे तो क्या होगा चार्ज की उसमें वेरिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर हम लिखेंगे तो सिंपली वही है, इसको सी डी से डिनोट करेंगे यानी कि डेल क्यू ओवर डेल वी, सॉरी टी का वी, ठीक है, वोल्टेज के साथ चार्ज में वेरिएशन। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन का मतलब है कि आपने क्या किया करंट फ्लो कर रही है उसमें, तो करंट के लिए हमने इक्वेशन पढ़ रखी है I इक्वल टू जो हमने पढ़ी थी I नॉट एक्सपोनेंशियली V अपॉन वी टी माइनस वन वाली इक्वेशन है, उससे हम देखेंगे कि इसमें डी क्यू अपॉन डी टी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारी करंट होगी सिंपली उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरी करंट है I वो क्या होगी क्यू अपॉन टो, टो क्या है ये है इनका कैरियर लाइफ टाइम, कैरियर लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि भाई कुल मिला के जब होल और इलेक्ट्रॉन इधर से एक दूसरे के अंदर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा रिकॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो चार्ज कैरियर है इसके अंदर, ठीक है, चार्ज कैरियर एक में होल है एक में इलेक्ट्रॉन है, उनका लाइफ टाइम कितना है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और वहाँ से क्या निकल जाएगी एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कितने लाइफ टाइम है उसका, वो जो एवरेज लाइफ टाइम है उसे हम लिख रहे हैं टो, ठीक है। तो ये क्या है लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर वो कितना है हमारे पास टो, ठीक है, यहाँ से आ जाइए। अब जो है आगे सोल्व करते हैं कि डी क्यू अपॉन डी मुझे क्या चाहिए डी क्यू अपॉन डी वी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो सोल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा डी आई डी क्यू ओवर टो, ये तो क्या है फिक्स होता है, इसको यहाँ रख दीजिए वैल्यू में, तो सी डी इज इक्वल टू डी क्यू कितना हो जाएगा तो वन अपॉन टो, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी वन अपॉन टो नहीं इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो डी क्यू इज इक्वल टू टो डी आई, इसको इधर ले आइए तो टो डी आई ओवर डी वी, डी आई ओवर डी वी अभी जस्ट निकाला था, क्या होता है डी आई ओवर डी वी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो डायनेमिकल रेजिस्टेंस है आर डी, ठीक है, डायनेमिकल रेजिस्टेंस है वो क्या था, वो था डी वी अपॉन डी आई, क्या था डी वी अपॉन डी आई, तो ये क्या है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं टो अपॉन आर डी डायनेमिकल रेजिस्टेंस। और डायनेमिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाली थी अपने जब इक्वेशन को सोल्व करके अप्रोक्सीमेशन लिया था तब क्या था आई अपॉन वी टी, क्या आया था सॉरी वी टी अपॉन आई है ना, तो वो क्या हो जाएगा कि सी डी इज इक्वल टू टो, ठीक है, ये क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी है वी टी अपॉन आई, तो वी टी हो जाएगा नीचे आई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये जो हो गया ऊपर और ये वी टी डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन बन जाएगी, अगर नीटा गिवन है ना, अगर नीटा भी गिवन है तो क्या हो जाएगा यही वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी सी डी इज इक्वल टू टो आई नीटा ओवर वी टी,
ठीक है। नीटा क्या होगा वो मैंने आपको बताया, सिलिकन के लिए 1 और जर्मेनियम के लिए 2 जो है वो नीटा होता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। कोई समस्या इसके अंदर? सिंपली जो है इसको तो अपॉन आरडी से निकाल सकते हैं। आरडी डायनेमिकल रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, तो कैरियर लाइफ टाइम जो है वो होगा, तो इससे हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरह के रेजिस्टेंस है, अगर आपको एप्सिलॉन गिवन है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है डायोड का, और उसके बीच की डिफ्लेक्शन लेयर जो है उसकी विड्थ गिवन है यानी कि चौड़ाई गिवन है, तो उस केस में ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस पूछेंगे आपको, सिंपली है क्योंकि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है वो हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन वाला पूछे, ठीक है, अगर डिफ्यूजन वाला पूछे तो डिफ्यूजन वाला भी जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इस तरह से आप डिफ्यूजन वाला जो है ये फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो कुल मिला के कैपेसिटेंस वाला केस जो है वो भी हमारे पास हो गया। सिंपली अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो सारा था थ्योरेटिकल पोर्शन, अब आते हैं किसी न्यूमेरिकल पे, है ना। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे एक तो सीधा सीधा आपको क्या पूछ सकते हैं, वो जो करंट वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेज है। अब वो आएगा बड़ा सिंपल सा, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं जरूर ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे अगर न्यूमेरिकल आता है तो। ठीक है, नॉर्मली डायोड वाले पे जो है मैंने न्यूमेरिकल कम देखा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर जो होगा क्या होगा, डायोड जो है उसको सर्किट में यूज करके और वेव फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वेव फॉर्म वाले पे रहेंगे, पूरे के पूरे उस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डायोड की अलग अलग पोजीशन के ऊपर देखेंगे कि वेव फॉर्म कैसी बनेगी, आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं एक तो पहले ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन उसके बाद में डायोड के कुछ जो है आइडियल केसेस वगैरह देखेंगे कि डायोड को किस तरह से हमें यूज करना है, तब उसमें क्या उसकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलिए। होल इफेक्ट भी कोर्स में आपके होल इफेक्ट जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स करेंगे तो वहाँ देख लेंगे, क्योंकि वो होल इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर उसका मैक्सिमम पार्ट है, तो वहाँ हम देख लेंगे। और ये जो है मैं अभी तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। कई बार क्या होगा, जैसे हमने सिग्मा तो हमने देखा था, है ना, सिग्मा जो है वो क्या होता है हमारा, अगर मैं इसमें देखूं तो सिग्मा जो किसी भी इस की बात करें तो वो होता है नेज के अंदर अगर देखें तो म्यू एन प्लस म्यू पी, और अगर एन टाइप पी टाइप है तो उसके लिए क्या हो जाता है, सिंपली एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ठीक है, ये वाला केस था नेज के लिए, यानी कि इंट्रिंसिक के लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए ये। ठीक है, ये वाला केस हमारे पास नॉर्मली होता है, है ना। और नेज के लिए क्योंकि दोनों के इक्वल होते हैं, इसके अंदर मान लीजिए एन टाइप पी टाइप तो उसके लिए निकाल लेते हैं, फिर एन टाइप के लिए हम क्या कर देते हैं, एन टाइप के लिए मानते हैं कि एन जो है वो डोनर के इक्वल है और ये वाला जो है वो क्या है, नेग्लिजेबल है। ठीक है, एन डी के रेस्पेक्ट में पी क्या है, नेग्लिजेबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, ये हमने देखा था कि ई एन, एन की जगह एन डी, ई एन डी यू एन हो जाता है। और पी टाइप के लिए अगर देखें तो पी टाइप में क्या हो जाता है, ये इक्वेशन एन ए यू पी हो जाती है। ठीक है, बाकी नेग्लिजेबल हो जाता है क्योंकि पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जो आपका ए है वो ग्रेटर ग्रेटर देन हो गया एन से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले देख ली। अब क्या है कि मैंने ये तो आपको करा दिया, यहाँ से क्या निकालते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी वन अपॉन सिग्मा। तो कई बार जो क्वेश्चन है आपको वो रेजिस्टेंस का पूछ लेते हैं, क्या करेंगे आपको कि रेजिस्टेंस कितना, मतलब कि जो आपकी सेमीकंडक्टर की स्लेब है इस स्लेब का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ए देंगे, जिसकी लेंथ कितनी देंगे, एल दे देंगे। अब आपको रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जो हमने नॉर्मली ओम्स लॉ जहाँ पढ़ा था, है ना, जहाँ ओम्स लॉ पढ़ा था वहाँ हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको किससे दे दिया, सेमीकंडक्टर वाले से, ये किसका आ गया, ओम्स लॉ से आ गया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है कि हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ी थी और इसमें रेजिस्टेंस दे दिया। अब कैसे निकाले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपको इस तरह गिवन है चीज़ें डायमेंशन तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कराने की जरूरत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, टाइम पास नहीं करना, जो कंसेप्ट है उसी पे हमें चलना है, आप कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन में। चलिए, अब जैसे इसमें दे रखा है कि नेज जर्मेनियम छड़ है, क्वेश्चन में है कि एक छड़ है जो कितनी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, ये इसकी क्या है, डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, सिलिकन की जो है वो नेज जर्मेनियम की छड़ है, जिसकी सिलिकन की जर्मेनियम की नहीं है, सॉरी, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मीटर दे रखा है, टेम्परेचर 300 केल्विन पर। ठीक है, क्या पूछा है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके लिए एन आई गिवन है, एन आई कितना है,
Ni हमें गिवन है वो है 2.5 इंटू 13 सेमी क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद में म्यू ई गिवन है, म्यू ई कितना है 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। म्यू पी गिवन है, म्यू पी कितना है, म्यू पी है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पूछा तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है अभी मैंने आपको बताया था वो होता है रो एल अपॉन ए। तो एल कौन सी है, जब भी आप देखो तो हमारे पास क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, ये होता है। तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो गई, एल हमें गिविन है, कितना है सेंटीमीटर, रो मुझे गिविन नहीं, ए कितना होगा, बाकी बचा हुआ क्या है कि 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो सब कुछ किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना है मिली, मिली और सेंटी में कितना होगा, 10^-1, 10^-1, तो कितना हो गया 10^-2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम इसको सब में इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या चाहिए मुझे, रो चाहिए, है ना, रो चाहिए। तो रो कैसे निकालूं, रो होता है हमारे पास रो इक्वल टू 1/σ, और इसमें सिग्मा क्या हो जाएगा, ई एन आई म्यू पी प्लस म्यू ई, ठीक है। अब ये सोल्व कर लेना आप लोग, मैं इसको बार बार इसको सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। रो जो आएगा वो आएगा इसके अंदर 43.10, हाँ ठीक है, 43.10 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए, ये वैल्यू रखिए इसके अंदर, एल की वैल्यू रखिए इसके रखिए, और उसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू आपके पास गिवन, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में जब अपन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे आदत नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं, लेकिन हेल्प बड़े सिंपल है। यही क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे मिल जाता है ना, बड़ा हार्ड सा क्वेश्चन होता है, उसको भी करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बड़े सिंपल से होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है सिलेक्शन नहीं होने के पीछे, ठीक है, आते हुए भी सिलेक्शन जब नहीं होता है। चलिए इसी के साथ ही एक ऐसा ही क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है, अभी भी देख रहे थे। पीएन संधि डायोड के लिए उत्क्रमित संतृप्त धारा यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है I0 या जिसे IS कह सकते हो आप, दोनों ही है, तो IS या I0 जो है वो आपको दे रखिए 40 माइक्रो एम्पियर, कितनी दे रखिए 40 माइक्रो एम्पियर। और अग्रदेशिक बायस जो वोल्टेज आप भी लगा रहे हो फॉरवर्ड बायस में, वो कितना है 0.1 वोल्ट है ना, 0.1 वोल्ट है। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया कि E अपॉन KT जो है वो है 40 वोल्ट इनवर्स, ये आपको गिवन है साथ में। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से कर जाओगे, और नहीं है तो फिर दिक्कत में रहोगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है I0 एक्सपोनेंशियल V/VT-1, बस हो गया, ठीक है, V/VT-1, और VT क्या है, ये हमारा VT रख दीजिए वैल्यू। तो I is equal to I naught कितना है, ठीक है, एम्पियर में रखोगे, V कितना है 0.1, VT कितना है 40-1, ठीक है, उल्टा लिख देगा मैंने, एक सेकेंड है ना, VT ये 1/VT होगा ना, कितना है 1/VT की वैल्यू है, एक सेकेंड है ना, क्यों 1/VT, मैंने आपको बताया था अभी सुबह, VT क्या था, VT होता है KT/, है ना, KT/ ही, क्यों KT क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है Q into V/Q से क्यों कैंसिल, क्या बना V, है ना, तो ये बनेगा 1/VT, VT नहीं क्या है 1/VT, ठीक है। तो 1/VT की वैल्यू कितनी है 40, तो 1/VT की वैल्यू 40 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 40 × 0.1, हाँ ये कितना है 0.1 कुल मिला के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियली power 4-1, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियली पावर 4, ये आएगी आपके पास करीब करीब 54 point something कुछ, ठीक है, ये आएगी 54। अब जैसे एक्सी अगर वैल्यू आती है ना, तो आपको जैसे ये गिविन है ना, वैसे वो गिविन होगा, ठीक है, हो सकता है कि ये गिविन नहीं,
ये मैंने आपको बताया था, ये जो है आपको याद भी रखना पड़ सकता है। ये जो वैल्यू है ये आपको गिविन होगी जब भी वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर आती है, वो आपको क्वेश्चन गिविन में वो होगा उसका आंसर। और ये जो है ये है 0.6 के आसपास है -1। इसको सोल्व करेंगे तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी करीब करीब 4.15 इंटू 10^-6 -3 एम्पियर। ठीक है, ये आपको करंट जो है मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्या है, सब कुछ कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन आएगी, इसके अलावा कुछ भी आपके नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि एक क्वेश्चन करना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहे। और थ्योरेटिकल पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि इसमें आना थ्योरेटिकल है क्वेश्चन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन इस पे आएगा ना वो आएगा डायग्राम के, उसमें जो सर्किट है वो सर्किट के अंदर डायोड को यूज़ करके, जो आप है ना सर्किट के अंदर जो है हम डायोड को यूज़ करके कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो आइए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं अब आप सिर्फ कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि डायोड को अगर आप उसमें यूज़ करते हैं सर्किट में तो आइडियली क्या होता है। ठीक है, आइडियल जो केस है, आइडियल केस में क्या है कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। ठीक है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये होने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या है, फॉरवर्ड बायस में है रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी कि अगर डायोड इस तरह से लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं उसको सीधा सीधा यहाँ से इसको इस तरह से हटा सकते हैं और बीच में क्या लगा सकते हैं, सिंपल वायर लगा सकते हैं। और अगर रिवर्स बायस में है, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, रिवर्स बायस में है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ओपन सर्किट होगा। आगे समझ में, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, कि डायोड अगर आइडियल केस है, आइडियल का मतलब जब हम डायोड को आइडियल मान के चलते हैं उस केस की बात करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपका डायोड होता है वो आइडियल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आइडियल नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो डायोड होता है उस प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में कैसे करते हैं उसको कनेक्शन, कि नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं और ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट। एक डायोड जो है वो रिप्लेस किससे होता है, अच्छा रिप्लेसमेंट में बताया तुम, फॉरवर्ड बायस में जो है एक डायोड होगा वो जो रिप्लेस होगा वो किससे होगा, इससे रिप्लेस होगा, एक बैटरी से रिप्लेस होगा प्लस माइनस, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट। ठीक है, और रिवर्स बायस में हम जो है उसको ओपन सर्किट मार सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है तो रिवर्स बायस के केस में, माइनस प्लस के केस में इस डायोड को जो है आप ओपन मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं इसको, ओपन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिकली डायोड है और वो क्या है, आइडियल डायोड है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आइडियल नाम गिविन है, ठीक है, आइडियल डायोड गिविन है तो हमें इसको इस तरह से लेके चलना है, और अगर आइडियल नाइन ही सिर्फ ओनली डायोड लिखा है तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आपको अब डायोड वाले क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, कंफर्म कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, फिर अपना ये, क्योंकि आज का करीब करीब एक घंटा हो जाएगा वीडियो लेक्चर का, तो नेक्स्ट जो हमारा एक घंटे का वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डायोड की, जो नॉर्मली आपके जब सर्किट में यूज़ होता है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है उसका। ठीक है, लिख लिया होगा सबने, समझ लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए, स्टार्टिंग लेते हैं सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, ये इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, टू किलो ओम। ठीक है, प्लस माइनस, और ये जो बैटरी है ये मान लीजिए है आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारे पास डायोड है।
अब इस डायोड में ये कहा गया है कि ये कौन सा डायोड है, सिलिकन डायोड है। जैसे इसमें नाम दिया सिलिकन डायोड, इसका मतलब अब आइडियल नहीं था ये, ठीक है। और सिलिकन डायोड के लिए कितना होता है, नॉर्मली देखिए आप, मैं एक चीज़ बता दूँ, सिलिकन डायोड के लिए जो अपन ये बैटरी ये लगाते हैं ना हटा के ये, तो उसका जो नी पोटेंशियल होता है 0.7 पोटेंशियल होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए आप। नॉर्मली जब आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो अपने को 0.7 लेके चलना है, अगर नाम देके देते हैं तो 0.7 सिलिकॉन के लिए, इसके लिए जर्मेनियम के लिए 0.3 लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है, और इस इक्वेशन में सोल्व करके इसकी फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अगर मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ओम्स लगाऊंगा, तो 0.7 इधर से चलेंगे, 10 - 0.7 रिप्लेस कर सकता हूँ, चलो एक बार आपको रिप्लेस करके बता देता हूँ, 10 बैटरी किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 किलो ओम, 0.7 ±, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 10 - 0.7 -2 × 10⁻³ × I = 0, तो I = कितना हो जाएगा, 9.3 / 2 × 10⁻³, ठीक है। तो ये होगा करीब करीब 47 के आसपास, है ना, अप्रोक्सीमेटली 46.5 चलेगा, तो मैं 147 के अराउंड ले लेता हूँ, और ये हो गया 10⁻³ - 3 एम्पियर, तो कितना आ गया 4.7 मिली एम्पियर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी डायोड को आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन में ये कर लीजिए, इसी डायोड को जो है मैं इस तरह से लगा देता हूँ। अब क्या है, कौन सा बायस है, रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट होगी तो करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं, इस केस में करंट कितनी आ जाएगी, I = 0, ठीक है, इस केस में करंट कितनी आ जाएगी, I = 0 करंट हो जाएगी, ठीक है, कोई समस्या। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गिविन होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आप करके लाना, मेरे घर से करके लाना देखें, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने एक डायोड लगा दिया, फिर से एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ जो है ये ग्राउंडेड हो गया, ये वोल्टेज आपको आउटपुट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बीच में जो है आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है इस टर्मिनल के बीच में, ठीक है, और ये जो है -5 वोल्ट पे है, ये +10 वोल्ट पे है, ये रेजिस्टेंस 4.7 के है, ठीक है, और ये सिलिकॉन डायोड है आपके पास, और ये है 2.2 के, ठीक है, और ये सिलिकॉन डायोड है। ये आप वोल्टेज जो है नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आएँ फाइंड आउट करके लाएँ, नहीं होता तो मैं करवाऊँगा आपको सोल्व करके, ठीक है। फिर हम जो है आगे इसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे, जिसे अपन क्लिपर क्लैंपर बोलते हैं, ठीक है, क्लिप कैसे करेगी, जो आपके वोल्ट जो आपके पास वेव फॉर्म होगी करंट की, वो वेव फॉर्म करंट के आउटपुट के अंदर किसी में पॉजिटिव नहीं रहेगी, किसी में नेगेटिव नहीं रहेगी, कोई शिफ्ट हो जाएगी, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में काफ़ी पूछ जाती है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले केस में। तब तक आप इसको अच्छे से रिकॉल जरूर करें, और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको खूब मिल जाएंगे, उनको सोल्व करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।